नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है आपका मोबाइल का फाइल मैनेजर पर जो है आपका खुद का फोटो जो ये पर सेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, ये पर सबसे पहले बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में तो ओपन कीजिए, ओपन करने के साथ ये पर देख सकते हैं मैं जो ये पर मेरा मोबाइल का फाइल मैनेजर पर जो ये पर खुद का फोटो जो ये पर सेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप भी करना चाहते हो तो दोस्तों ये पर सिंपली आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और नीचे ये पर थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये पर जो ये पर पेंसिल का आइकॉन दिख रही है, इस आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पर सेट बैकग्राउंड इमेज इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपका मोबाइल का जो ये पर सभी के सभी फाइल जो ये पर ओपन हो जाएगा। ऐसे जो भी फाइल पर आपका फोटो है तो दोस्तों ये से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये पर फोटो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फोटो को ये पर क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद ये पर सेव की ऑप्शन पर जो ये पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ये जो ये पर फोटो है दोस्तों ये पर देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये पर सेव हो गया है। दोस्तों, ऐसे करके आपको ठीक तरह से क्रॉप करना है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। वीडियो को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी, तब तक लिए इतनी। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।